Welcome to the Economic Times Urban Mobility Summit. After the wonderful inaugural session, I'm joined by Mr. Kunji Lal Meena, who is the Principal Secretary of Urban Development and Housing Department, Government of Rajasthan. So thank you for joining us. Sir, how has been your experience of participating in today's conference and what are some likely and possible key takeaways? आज की वर्कशॉप जो समिट की है बहुत ही अच्छी लगी मुझे. पहली बार इकोनॉमिक टाइम्स ने अर्बन मोबिलिटी के इश्यू को लेकर के जयपुर के शहर के सभी लोगों को इनवाइट किया. सिविल सोसाइटी के लोग आए, राजस्थान सरकार के सभी अधिकारी आए और अर्बन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सभी डिपार्टमेंट, चाहे बस वाले हों, चाहे मेट्रो वाले हों, चाहे बैंकर्स, सब लोग आए. तो ये बहुत ही अच्छा आपका एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इस तरह की चीज़ें करने के लिए मैं इकोनॉमिक टाइम्स को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और मुझे भी यहाँ आ जाने का अवसर दिया. सारे इंडिया के सिनेरियो देखने को मिले, कौन से शहर में किस तरह के अर्बन गवर्नेंस की, अर्बन मोबिलिटी की इश्यूज है, क्या सॉल्यूशंस है, क्या आईटी सॉल्यूशंस है, वो सारा डिस्कस हुआ आज इसमें समिट में. तो ये समिट बहुत ही सक्सेसफुल सिद्ध हुई है मेरी ओर से. तो शहरी विकास जो है राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. अगर हम बात करें तो अक्सर ये कहा जाता है कि सिटीज आर दी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन ऑफ फॉर द डेवलपमेंट. आपके इस बारे में क्या विचार? बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ. शहरी विकास एक आर्थिक ग्रोथ का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है, क्योंकि जब भी आदमी को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, किसी भी काम के लिए गांव से जब निकलता है तो शहर की तरफ आता है और शहर अच्छे होने की बहुत जरूरत है. भारत सरकार की भी प्राथमिकता है, हमारी राजस्थान सरकार की भी प्राथमिकता है कि अर्बन ग्रोथ सेंटर जो है वो रियल फ्यूचर है हमारे देश का. सर, टेक्नोलॉजी की बात करें तो सरकारों की प्राथमिकताएं जो है बदलते परिवेश और समय के साथ बदल गई हैं. हर विभाग में कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, जिससे जो सिटीजन्स हैं उनको भी और साथ में जो विभागीय कार्य हैं उनको भी आसानी से किया जा सके. राजस्थान सरकार टेक्नोलॉजी का किस तरह से उपयोग कर रही है? टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो राजस्थान सरकार बहुत आगे है. आप देखें, आईटी डिपार्टमेंट ने अभी, जब आपने कोरोना काल देखा, 2 साल के कोरोना में हमारी एक भी काम प्रभावित नहीं हुआ ड्यू टू टेक्नोलॉजी. सारी की सारी मुख्यमंत्री महोदय ने जो मीटिंग्स ली थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम बैठक कर कैसे कर पाते, सारे ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम कैसे कर पाते अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती. तो राजस्थान सरकार तो टेक्नोलॉजी को इतना बढ़ावा दे रही है कि फिनटेक यूनिवर्सिटी आ रही है हमारी, टेक्नोलॉजी के नए नए हमारे क्या नाम से जो भी आयाम पूरे देश में या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं उनको हम राजस्थान में लागू करने जा रहे हैं. चहुमुखी विकास राजस्थान कर रहा है ऐसा कहा जाता है, आपके विभाग की प्राथमिकताएं क्या है? मेरा आखिरी सवाल. हमारा विभाग अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट की सबसे प्राथमिकता ये होती है कि अर्बन में रहने वाले लोगों का जीवन कैसे सुखदायी बने. अब जैसे आज की वर्कशॉप में मैं बता रहा हूँ कि मेजर इश्यू है मोबिलिटी को अच्छी तरीके से हैसल फ्री कैसे किया जाए, तो हमने ट्रैफिक को जो लाइटें होती है ट्रैफिक सिग्नल फ्री चौराहे कोटा में, हमने सारे कोटा को सिग्नल फ्री कर दिया. जयपुर में हमारे 7 चौराहे मेजर हैं, उनमें से 3 का टेंडर करके सिग्नल फ्री करने जा रहे हैं. आने वाले टाइम में 7 के 7 चौराहे सिग्नल फ्री हो जाएंगे. तो अर्बन मोबिलिटी के लिए सारे ओवर ब्रिजेज, जितने भी आपने देखा होगा शहर में काफ़ी ब्रिजेज बन रहे हैं, अंडर ब्रिजेज, अंडर पास, ये सब अपनी इस शहर की प्राथमिकता के लिए बनाए जा रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स अर्बन मोबिलिटी समिट जयपुर. थैंक यू सो मच.